हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, यूएस वियतनाम वॉर्न अगेंस्ट थ्रेट इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में कौन थ्रेट है सबको पता है, कौन बेवकूफ़ है, कौन माल फूक के सस्ता नशा करके अपना मैप रिलीज़ करता है, कुछ भी करता है। भाई, तुम मेरे इंडिया का मैप दिखाओगे अपने, उसमें मेरे को गुस्सा तो आएगा ही ना। मेरा तो मन कर रहा है ना इन चिंकियों को मारूँ, घुस घुस के मोमोज खिला दूँ अच्छे से। पर चलो, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। क्या है इस आर्टिकल में? द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मोमोज खिला दूँ। अरे यार, मेरा मन कर गया। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम वॉर्न्ड ऑन मंडे अगेंस्ट अ थ्रेट टू यूज़ अ फोर्स इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी डेज आफ्टर द लेटेस्ट क्लैश इन्वॉल्विंग चाइनीज वेसल। मतलब अगर साउथ चाइना सी की बात हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है, इन बेवकूफ़ों का नाम आना ही आना है। आप देख लो, मैंने कुछ यहाँ पे था, मैंने पहले ही बता दिया था चाइना है, तो उसकी बात हो गई। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड द वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी चीफ जो भी है नुगियन, जो भी इनका फूट रॉन्ग प्रोनंसिएशन है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देख लीजिएगा क्या है, सेड द कम्पीटिंग क्लेम ऑन द स्ट्रेटेजिक वाटरवे मस्ट बी सेटल्ड अंडर इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो यूएन क्लॉस, ये इंटरनेशनल वाटर लॉ है। बीजन क्लेम्स मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर सी, देखो थ्रू विच ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन ट्रेड पासिस एनुअली एंड इग्नोर्ड एन इंटरनेशनल कोर्ट रूलिंग दैट इट्स असर्शन हैज़ नो लीगल बेसिस। मानते ही नहीं है ये लोग, पता नहीं क्या चाहिए। द लीडर अंडर स्कोर दी अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ विदाउट द थ्रेट टू यूज फोर्स, मिस्टर बाइडन एंड मिस्टर ट्रम्प सेड इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट। दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट एंड अनइम्पेंडेंट लॉ कॉमर्स इन साउथ चाइना सी। मतलब कह रहे भाई, हमें रोक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है, जितना उनका है उतना ही हमारा भी है। सही बात है, किसी एक का नहीं है, सबका है वहाँ पर। द स्टेटमेंट केम आफ्टर द डे आफ्टर मिस्टर बाइडन एंड ट्रम्प स्ट्रक अ डील टू डीपन कॉपरेशन वाइडली सीन एज अ वे टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग असर्टिवनेस इन द रीजन। तो आप देखिए, पहले आर्टिकल में हमने क्या देखा है, कह रहे थे वी विल नॉट हर्ट चाइना बट वी आर हर्टिंग चाइना। क्या ही मज़ा आता है कभी कभी पढ़ के। वॉशिंगटन इज अ लॉगरहेड विथ बीजिंग ऑन अ रेंज ऑफ इशू इंक्लूडिंग ट्रेड, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज एंड इज लुकिंग टू बूस्ट इट्स नेटवर्क ऑफ अलाइज टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। वियतनाम विच फॉट अ वॉर विद चाइना बिटवीन 1979 एंड 1988 इज वेरी ऑफ इट्स जॉइंट नॉर्दर्न नेबर एंड इज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज विच क्लेम ऑन मेनी आइसलेट्स एंड आउटक्रॉप्स दैट डॉट द साउथ चाइना सी। लास्ट वीक द फिलीपींस अक्यूज चाइनीज कोस्ट गार्ड एंड मिलिशिया बोला जाता है बोट्स ऑफ हरेसिंग टू ऑफ इट्स ओन कोस्ट गार्ड वेसल्स, मतलब वियतनाम के, एज दे टुक सप्लाईज टू फिलिपिनो ट्रूप्स ऑन द सेकेंड थॉमस शोल। द फिलीपींस नेवी डेलिबरेटली ग्राउंडेड एन ओल्ड शिप ऑन अ शोल इन 1999 टू चेक चाइनीज एडवांसेस इन द वॉटर्स। चाइना डिप्लॉयज हंड्रेड ऑफ वेसल्स टू पेट्रोल द साउथ चाइना सी एंड स्वाम रीफ। तो देखिए, इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट तो खैर बहुत चीज़ें हो जा रही हैं, चाइना की बेवकूफ़ी से लेकर यूएस की डिप्लोमेसी। देखिए, साउथ चाइना सी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका लोकेशन। अब देखिए, यहाँ पे एक जो सबसे अभी वियतनाम आ गया आपका, ठीक है, फिलीपींस आ गया, इनका लोकेशन साउथ चाइना सी में, जैसे ये ऊपर में चाइना है तो यहाँ पे वियतनाम आ गया, यहाँ पे फिलीपींस आ गया, तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है बाकी जो आसियान में भी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा हमारे लिए क्या है, ये वर्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएन क्लॉस इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और चाइना का बेवकूफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। आप एक बार वियतनाम चाइना वॉर देख सकते हैं अगर बहुत पढ़ना चाह रहे हैं इस बारे में आप लोग।
और देखिए चाइना कैसे यहाँ पे असर्ट करता है अपने उसको, क्योंकि इसने बहुत सारे मिसाइल्स रखे हैं पेट्रोल पर्पस से, कि देखेंगे वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है साउथ चाइना सी में। और हाँ, रीफ्स, कोरल रीफ्स, क्यों यहाँ पे इसका वर्ड आ रहा है स्वाम कोरल रीफ, तो इसको सर्च करिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो लोकेशन ज्योग्राफी में आ जा रहा है, रीफ अपना इन्वायरमेंट में आ जा रहा है, एन यू एन क्लॉज अपना इंटरनेशनल लॉ का आ जा रहा है, आसियान आपका ग्रुपिंग है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है बस, और काम करते रहिए, चाइना जैसी बेवकूफ़ी मत करिए। पावर कभी आपके पास आ भी जाए तो चाइना मत बनिए, इंडिया बनिए। सो थैंक यू गाइज एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।